सबसे पहले मैं मंच पे विराजमान हमारे सारे बड़े बुजुर्ग उनको उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे बंतो कटारिया जी, हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, हमारे राज्यसभा के में मेरे सहयोगी डॉक्टर सचिंदर सिकंदर जी, मैं जो भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, मेरे पिता श्री विनोद शर्मा जी, माता श्री शक्ति रानी शर्मा जी और चेयरमैन लामा जी, बाकी भाग सिंह दमदमा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष और जितने भी हमारे बड़े अब यहाँ पर आए हैं बड़े बुजुर्ग, उन सबका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। पर सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं का, क्योंकि आज जिस तरीके से, जिस हर्ष और उल्लास से और जिस भावना से आपने माता शक्ति रानी शर्मा जी का आज स्वागत किया है कालका की पावन धरती पर, मैं वाकई ही आज कालका के कार्यकर्ताओं ने दिल जीत लिया है। मैं सबसे पहले तो उनको नमन करना चाहता हूँ और मैं आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अम्बाला संसदीय क्षेत्र को मैंने गोद लिया है एक राज्यसभा सांसद के तौर पर, और मैं पिछले 2 साल से सांसद हूँ और मुझे नहीं पता था कि हमें यहाँ से चुनाव हो करना है, लेकिन मैं आपके समक्ष बात रखना चाहता हूँ कि मेरा कालका से पुराना नाता है, पुराना रिश्ता है, मेरे परिवार का, मेरी माता जी का, मेरे दादाजी का पिछले 50 साल पुराना नाता है और उस किसी ना किसी बहाने आना होता था कालका, चाहे वो किसी कैंप के माध्यम से हो, चाहे किसी और वजह से हो। और जब भी मैं कालका आया हूँ मुझे हमेशा आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत प्यार दिया। मैं हाल ही में जब 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए कालका आया था तभी मुझे बहुत से पुराने साथी, पुराने लोगों से मिलने का मौका मिला और तभी की बात है कि कुछ लोग HMP के जिन्होंने VRS अपना नहीं लिया था उन्होंने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एक दिक्कत है, समस्या है जो कोई हल नहीं कर पा रहा काफी देर से, और उन्होंने मुद्दा मेरे सामने रखा और मैंने माननीय HD कुमारस्वामी जी से समय लेकर उस मुद्दे का संज्ञान लिया, शोध किया, उसके बाद मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनके सामने जो परिस्थिति वो रखी। मुझे खुशी है कहने में कि उन्होंने मुझे आश्वस्त नहीं किया बल्कि रास्ता भी बताया कि ये समस्या कैसे सुलझेगी। ऐसे अनेकों समस्याएं हैं कालका की, कालका क्षेत्र की, क्योंकि वैसे तो मैं पूरे 9 के 9 हल्के देखता हूँ संसदीय क्षेत्र के हिसाब से, लेकिन अब क्योंकि माता जी यहाँ आ गई हैं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उनको प्रबल रूप से मैं, चाहे केंद्र सरकार के मुद्दे हों, चाहे राज्य सरकार के मुद्दे हों, उनको मैं प्रबल रूप से, प्राथमिकता से उनको उठाने का काम करूंगा और आपके हक की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। मैं सिर्फ यही नहीं कहना चाहता, मुझसे पहले बंतो कटारिया जी ने, हमारी बड़ी है, आदरणीय है, उन्होंने कहा कालका का 1 नंबर सीरियल नंबर है। मैं चाहता हूं कि इस 5 साल के कार्यकाल के बाद कालका 1 नंबर सिर्फ सीरियल नंबर से नहीं जाना जाए बल्कि 1 नंबर विधानसभा में हरियाणा बन के उभरे, ऐसा रोड मैप आप सबके साथ मिलकर बात कर चिंता कर जो विषय आपके हैं प्रत्येक वार्ड से, प्रत्येक ब्लॉक से, प्रत्येक बूथ से, उनसे सबसे जानकारी लेकर भारतीय जनता पार्टी एक मैनिफेस्टो जारी करेगी कि कालका के लिए, कालका के क्षेत्र के लिए क्या विजन है, कौन से ऐसे काम हैं जो अधूरे रह गए हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कालका के निवासियों को उसकी कमी महसूस होती है, करती है, और उन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए ही आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं आपको आज इस मंच से एक और चीज का आश्वासन देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मीटिंग हमारे सारे शुभ चिंतकों की है, कार्यकर्ताओं की है, अभी हम सब लोगों में निकलेंगे, अपना प्रचार प्रसार करेंगे, अपना संदेश लोगों के बीच में लेके जाएंगे, पूरे हल्के के, कालका पिंजौर के हल्के के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरा संदेश मेरी तरफ से भी सबको दीजिएगा, पूरे कालका की और पूरे कालका हल्के की जनता को दीजिएगा कि आप एक विधायक चुनेंगे,
आपको एक एमपी फ्री में मिलेगा साथ में, तो एक विधायक के साथ एक एमपी फ्री है। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आपके बीच में आए हैं, आपकी चिंता करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी लड़ाई लड़ेंगे और कालका को एक खुशहाल विधानसभा क्षेत्र के तौर पर जो नशा मुक्त क्षेत्र रहे, ताकि जो युवाओं को तंग ना करे, जो सट्टा मुक्त क्षेत्र रहे, जो कानून व्यवस्था के हिसाब से चले सुचारू रूप से, जहां रोजगार हो, जहां व्यवसाय हो, जहां उद्योग लगे, ताकि पूरे एरिया का विकास हो सके। क्योंकि जिस तरीके से पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में अम्बाला क्षेत्र के अंदर विकास किया था, मैं बताना चाहता हूं कि उसी तरीके से कालका का भी विकास किया जाएगा और कालका के विकास के अंदर आप सबका, पूरी भारतीय जनता पार्टी का, हर एक पद अधिकारी का, हर एक कार्यकर्ता का मान सम्मान के साथ, मान सम्मान के रूप में पूरी तरीके से देते हुए कालका के पूरे विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। मैं आपको इस बात से आश्वस्त करके जाता हूं और मैं आपको इस बात से भी आश्वस्त करके जाता हूं कि जो भी बातें विपक्षी पार्टी, ऑपोजिशन पार्टियां बोल रही हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी, आप कृपया करके उनके बहकावे में बताइएगा। क्योंकि जिस पार्टी ने देश के संविधान की हत्या की, आज वो देश के संविधान की दोहाई देते हैं। जिस पार्टी ने देश के संविधान को खत्म करने का काम किया, आज वो देश का संविधान अपने हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि इसके उसका नाता देते हैं, तो उनकी भ्रामक बातों में मत आइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मुझे माता के दर्शन करने के बाद एक पत्रकार छायाकार बंधु ने एक सवाल पूछा कि जी एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ। तो मैंने उनको कहा कि एंटी इनकम्बेंसी तो केंद्र सरकार की भी थी, पर तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भी, तीसरी बार भी बहुमत के साथ एनडीए ने सरकार बनाई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के नीचे के अंदर, जो कि भारत में लगभग 60 साल बाद ऐसा हुआ है। तो ये बात कि 10 साल से सरकार है बीजेपी की, इसलिए तीसरी बार कांग्रेस की सरकार आएगी, ये भ्रांति कांग्रेस फैला रही है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, श्री नैब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे केंद्र में सरकार बनी है, उसी तरह हरियाणा प्रदेश में भी, प्रांत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि जो रास्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है और देश के अंदर जो अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है, वो काम हम हरियाणा में भी करेंगे। जो भी हमारे स्थानीय मुद्दे हैं कालका के, चाहे वो पानी की एकता मुद्दा हो, चाहे वो पानी की निकासी का मुद्दा हो, या पीने के पानी का मुद्दा हो, या नहर के पानी का मुद्दा हो, चाहे वो व्यवसाय का मुद्दा हो, चाहे एचएमटी का मुद्दा हो, चाहे सेक्शन 7A का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा जिससे कालका की जनता त्रस्त है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके सारे के सारे मुद्दे बहुत जल्द हल होंगे। मैं इसी मंच से एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो लोग नशे का व्यापार करते हैं, जो लोग सट्टे का व्यापार करते हैं, वो 8 तारीख से पहले पहले कालका क्षेत्र छोड़ के चले जाएं, क्योंकि 8 तारीख के बाद एडमिशन कोई भी नहीं बिकेगा कालका के अंदर। ये मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं कि कालका के अंदर हम कालका को भय मुक्त, नशा मुक्त और सट्टा मुक्त करेंगे। मैं आज इसका प्रण लेता हूं आज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। तो आप देख रहे हैं कालका से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अभी आपने देखा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संबोधित किया और आप देखिए प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा पहुंचे हैं। अब संबोधन में अपने वो क्या कुछ कहती हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं कालका के
निवासियों को हाथ जोड़ के नमन करती हूँ। बहुत ही आदरणीय मंच यहाँ बैठा है, मैं उनके नाम लेना चाहती हूँ। डॉक्टर सिकंदर जी राज्यसभा सांसद हैं, कार्तिकेय शर्मा जी राज्यसभा सांसद, दीपक शर्मा जी जिलाध्यक्ष, श्रीमती बंदो कटारिया जी प्रदेश अध्यक्ष, श्री कृष्ण लाल मामा जी चेयरमैन, ओम प्रकाश देवी नगर चेयरमैन, श्यामलाल बंसल जी विधानसभा प्रभारी, गणेश सैन जी विधानसभा संयोजक, भाग सिंह कंपना जी वरिष्ठ नेता, श्री पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, श्री राजाराम जी मंडल अध्यक्ष, श्री वीरेंद्र राणा जी महामंत्री, श्री मोहन जी मंडल अध्यक्ष, श्री मदन लाल जी मंडल अध्यक्ष, सुनील विमान जी जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, अनुराधा वर्मा जी महिला मोर्चा, संजीव कौशल जी, पूनम कोहली जी, इंद्र कुमार जी, गुलशन ठाकुर जी, कृष्णा अली जी, कमल रेखा जी, प्रीत चंद्र जी, सरकार जी, और किसी का अगर नाम छूट किया हो तो मैं उससे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। मैं आप सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर आई हूँ। पार्टी में मुझे एक विश्वास के तौर पर आपके बीच में भेजा है, उन्होंने मेरे विश्वास जताया है। सबसे पहले तो मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता हैं, उनका उत्साह देखकर बहुत ही प्रभावित हुई हूँ और प्रफुल्लित हुई हूँ। बहुत ही जोश के साथ आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उससे पहले कार्तिक जी ने आपको यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत किया है, मैं उनको भी सोच करती हूँ। मैं पूरे मन मन से आपकी सेवा करती हूँ और उन सब चीज़ों के ऊपर खड़ा होकर बहुत ही समस्याएं बताई उन्होंने और मैं उनको प्राथमिकता पर रखकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और जो भी हमारे पार्टी का आदेश होगा उसको निभाने का काम करूँगी। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र बहुत जल्द प्रकाशित होगा और जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र की हैं हर कार्यकर्ता से पूछकर या उस पर सम्मिलित की जाएंगी और उनका निवारण करने की बिल्कुल दिल जान से कोशिश करूँगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी एक दिल लेके आई हूँ और आप सबके दिल में बसना चाहती हूँ। आपने मुझे आप सबके बीच में भेजा है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके बीच में रहूँगी और आपकी तन मन से सेवा करूँगी। जय भारत, भारत माता की जय। शक्ति को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक सभी से मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने भोजन नहीं किया अपना अपना भोजन ले लें और जो भी मंडल के पदाधिकारी जिला के पदाधिकारी और इस चुनाव की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो अंदर बैठेंगे वहां पर हमारे इस दो दिनों की व्यवस्था। कालका से आज आपने देखा कि चुनावी जो आगाज है वो हो चुका है। शक्ति रानी शर्मा के संबोधन को भी आप सुन रहे थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि एक दिल लेकर के आई हूँ और आप सबके दिलों में जगह बनानी है। कालका की जनता का उन्होंने धन्यवाद भी किया और कहा आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। कालका विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसको प्राथमिकता के साथ हल करने का प्रयास किया जाएगा। तो आज से चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी अभियान का आगाज हुआ है और आज रोड शो, उसके बाद माँ कालका के दर्शन और उसके बाद चुनावी कार्यालय का उद्घाटन और फिर जो कार्यकर्ता हैं मौजूद उन सबको संबोधित करते हुए ये बातें महत्वपूर्ण आपने सुनी हैं। तो शक्ति रानी शर्मा आज कालका विधानसभा क्षेत्र पहुंची हुई है जहां पर उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। रोड शो में भी आपने देखा कि भारी संख्या में जो भीड़ है वो मौजूद थी, साथ में उनके राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की भी मौजूदगी थी। तो यहाँ से अब आगे जो चुनावी बिगुल है वो फूका जा चुका है और अब आगे जो चुनावी कार्यालय है उसके जरिए अब जनता के बीच में जो पैठ है वो बनाई जाएगी।
जनता के बीच में जाकर के अब जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का, उनको उनका निवारण करवाने का जो भरोसा है वो जनता को दिया जा रहा है। तो तस्वीरें कालका से आप देख रहे थे, जहां पर आज से चुनावी शंखना शक्ति रानी शर्मा जी के द्वारा किया गया है। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।